चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड बैक टू स्कूल नाउ। तो आज फिर से स्कूल से ट्रांसमिशन है और आज लेकिन थोड़ा सा हमने आरएनडी किया था लास्ट क्लास में जो बहुत अटका था, तो हमने थोड़ा आरएनडी किया है और कुछ नए तरीके से आज कर रहा हूँ। और आज कैमरा अलग है, सेटअप भी थोड़ा सा अलग है, देख ही रहे हो है ना। तो अक्षिता सेट की जिस तरीके से चल रहा है, लगता है आपका सिलेबस बाद में खत्म होगा। मेरा सिलेबस अब क्या है, क्या ही रह गया, बस थोड़े बहुत छिटपुट इधर उधर है ना। वी बी जस्ट डूइंग इट। हम क्यों आ गया? ओह अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मुझे लगता है कुछ 11। ओके, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी मेक सम अनाउंसमेंट्स। हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई टोल्ड यू दैट दैट एंटायर स्पेक्ट्रम यू हैव टू रिमेंबर, तो ध्यान रखना। आई होप यू कैन आइदर गेट अ चार्ट फ्रॉम द यू नो बुक और एनी अदर स्टडी मटेरियल और फ्रॉम द नेट। आई मीन, तो हर टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों में से एक, और कहां से कहां पे प्रोड्यूस होता है और क्या यूजेस है, तो इसका एक पूरा लिस्ट बना लो और उसको एवरी वीक और 10 डेज बाद बाद देखते रहो। तो देखना उतने में इतना अच्छे से याद हो जाएंगे कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर इट इफेक्टिवली। दैट्स व्हाट आई नो, ठीक है ना। चलो तो लाइक दिव्या मैं लास्ट की इज दैट वीवो मोबाइल रिंगटोन। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है। कार्तिक अजास्ट की सत्यम अजास्ट की एक बार वो डिस्कस कर लीजिए, क्या चीज डिस्कस करना है सत्यम, एक बार बता दो जरा। दिव्या अजास्ट की व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फेयरवेल। स्टेटस ऑफ फेयरवेल इज एज अनसर्टेन एज एनी अदर थिंग विच इज अनसर्टेन राइट नाउ, ठीक है ना। सत्यम अजास्ट की 11th के चैप्टर्स। हाँ 11th के चैप्टर्स बेटा अभी थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। मे बी सर आपका ऑडियो वीडियो पॉज हो रहा है बीच में। पॉज हो रहा है? आज तो अपने लैंडलाइन का इंटरनेट से क्लास ले रहा हूँ, तभी भी पॉज हो रहा है। ओ यस सर, बीच में थोड़ा होल्ड्स हो रहा है, लैग कर रहा है। अच्छा बार-बार स्क्रीन भी फ्रीज हो रहा है। ओहो ये क्या तरीका है। यस सर, लेकिन पता है लैपटॉप में जो मैं देख रहा हूँ, मैं बार बार नजर डाल रहा हूँ इसलिए वो एकदम बिल्कुल सही आ रहा है अभी तक। अब हो सकता है कि लैपटॉप इज नॉट सेंडिंग द आउटपुट, इट इज सेंडिंग द इनपुट जो मुझे दिख रहा है। स्क्रीन की पिक्चर वीडियो क्वालिटी अच्छी है लेकिन बीच बीच में होल्ड हो जाती है, लैग कर रही है बीच में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो बता रहा हूँ ना वो इसमें नहीं है, मतलब लैपटॉप में तो नहीं है, बट दैट कुड बी बिकॉज मे बी द लैपटॉप इज नॉट शोइंग मी द आउटपुट एक्चुअली। जैसे जब मैं मोबाइल में क्लास लेता था तो मोबाइल को भी वाईफाई में रखता था, लैपटॉप को भी वाईफाई, तो मोबाइल यूज्ड टू बी द स्टूडेंट हु इज द क्लास ट्रांसमीटर, तो उसका आउटपुट मुझे लैपटॉप में दिखता था। अगर मान लो कभी कभी फ्रीज होता था तो मुझे भी दिख जाता था कि हाँ फ्रीज हो गया। यहाँ पे लैपटॉप पे तो सारा स्मूथ है, बट आई डोंट नो वेदर आई एम सीइंग द आउटपुट इन द लैपटॉप, क्योंकि इसी से ट्रांसमिशन भी हो रहा है और यही आउटपुट भी दिखा रहा है। तो आई डोंट नो वेदर दिस इज द इनपुट पार्ट और द आउटपुट पार्ट, सो बट एटलीस्ट यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। चलो एनीवे, अक्षित अजास की एनटीए मेंस का सिलेबस कब डालेगी? वेल एनटीए मेंस का सिलेबस मुझे नहीं लगता है कि यूनिलैटरली डाल पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो सीबीएसई में सिलेबस में कटौती हो रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेंस वालों को भी थोड़ा सा उस चीज को इस बार ध्यान रखना पड़ेगा। सो देयरफॉर आई थिंक इट वुड बी सीबीएसई सिलेबस फर्स्ट एंड देन मे बी एनटीए सिलेबस, दिस व्हाट आई हैव अ गट फील। लेकिन बाकी ये कि दिसंबर में पेपर होता है तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू से कि कब होगा सिलेबस का वो, बट आई थिंक विद इन दिस मंथ सिलेबस का मामला आई थिंक शायद सॉर्ट आउट कर लेंगे, दिस व्हाट माय गट फील इज, बाकी देखते हैं, ठीक है ना। सत्यम अजास्ट की हमारे में 11th का सिलेबस में कोई फर्क होने का चांस है? देखो 11th का सिलेबस में तो आई डोंट सी देयर इज देयर वुड बी मच ऑफ अ डिफरेंस, मुझे नहीं लगता है, बट यस 12th का सिलेबस में तो शायद कमी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 11th के टाइम तो कोई डिस्टरबेंस था ही नहीं, तो आई डोंट थिंक 11th के सिलेबस में कोई ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, है ना, तो 12th का सिलेबस में ही शायद उसका रिफ्लेक्शन होगा कहीं ना कहीं। चलो एनीवे लेट्स बिगिन विद दिवाली एंड पोल्यूशन ब्रेक का क्या होगा। इस बार तो पोल्यूशन वैसे भी कम है और दिवाली ब्रेक मैं सुन रहा हूँ कि नहीं होगा, तो लाइक ब्रेक्स आर नाउ गॉन प्रोबेबली, दिस व्हाट आई नो, बाकी देखते हैं। अच्छा तो जो मैं कह रहा था इज दैट आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर देयर,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दो चीजें हैं, एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। यू नो जो हमारे आसपास के जो दुनिया है, खास करके स्पेस, यानी नाइट टाइम के जो पूरा स्पेस हमें दिखता है, स्काई एटसेट्रा, द व्यू ऑफ द स्काई, द स्टार्स, कॉमेट्स, है ना, प्लैनेट्स, मून एटसेट्रा, तो इस ये जो है ना बहुत पहले से, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से लोगों को फैसिनेट किया, लेकिन उनके बारे में डिटेल नॉलेज एक्वायर करना मुश्किल था, बिकॉज पीपल डिड नॉट हैव एनी मींस टू गो इनटू डिटेल्स। तो जो भी उनको दिखता था खुले आंखों से, मतलब विद द नेकेड आई, दैट वुड बी द वे ऑफ गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन और डूइंग एनी कंक्लूजंस। तो सबसे पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं, जो भी रहे, मतलब पुराने जमाने में, दे हैव डन एवरीथिंग विद द नेकेड आई, और उसमें कई सारे नाम हैं, बट आई थिंक आई कुड पॉसिबली टेक वन नेम व्हिच इंटरेस्ट मी राइट नाउ, एंड दैट इज टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे वाज सपोज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर विदाउट टेलीस्कोप, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। ही वाज प्री गैलीलियो, मतलब गैलीलियो के भी पहले के हैं टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे इन एस्ट्रोनॉमी हैज अ गुड नेम एज फार एज प्री टेलीस्कोपिक ईरा इज कंसर्न, बट दोज आर इंटरेस्टेड इन बायोग्राफीज वुड ऑल्सो प्रोबेबली नो दैट ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और वो है कि उनका जो नोज था वो वुडन था। इसके बाद में शायद मैंने कभी 11th में बताया होगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा, उनका नोज वुडन था। कैसे? ना ही वाज इन टू सोर्ड फाइटिंग, ठीक है ना, एंड ही हैड अ वेरी बैड टेंपर, ही हैड अ वेरी बैड टेंपर एंड ही वाज इन टू सोर्ड फाइटिंग, तो लाइक डबल कॉम्बिनेशन। तो कभी किसी के साथ किसी दिन झड़प हो गया होगा, और झड़प के बाद लड़ाई शुरू हो गया दोनों के आपस में, सोर्ड फाइटिंग है, और सोर्ड फाइटिंग में जो अपोनेंट थे उसने भी ऐसे सोर्ड चलाया होगा, अब वो सोर्ड यूं आया तो डॉज तो किया, लेकिन वो सोर्ड यहां से ऐसे करके निकल गया तो उसका पूरा नोज जो है गिर गया। अच्छा, आज होता तो शायद, आज के दिन में अगर होता तो शायद प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके कुछ ना कुछ करके रिपेयर कर देते, पर उस जमाने में तो ये सब था नहीं, तो हिज नोज वॉज गॉन, इट टुक क्वाइट अ फ्यू मंथ्स फॉर हिम टू रिकवर। फिर से हैंग हो गया, टोल्स बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब मेल वर्जन ऑफ सूर्पनखा एक तरह से, तो यही हुआ। तो व्हाट ही डिड वाज दैट ही गॉट अ वुडन नोज मेड, एंड इन अ मैनर कि जो भी बचा हुआ था उसके सरफेस के साथ बिल्कुल फिट होगा, और उस वुडन पीस को उन्होंने बिल्कुल स्किन कलर से कलर करवाए थे, जो अपना टेक्सचर था उसी कलर से कलर करवाए थे, और उस वुडन पीस को मतलब उस जमाने में जो भी एडेसिव मिलता था एडेसिव से चिपकाते थे। सो लेट्स सी इफ यू वुड गो टू एनी पार्टी और एनी गैदरिंग और एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम एंड व्हाटएवर वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, सो ही वुड यूज दैट वुडन नोज ओवर हिज फेस, सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अबाउट हिम, सो मे बी दोज हू आर इंटरेस्टेड कैन रिसर्च मोर इनटू दैट। बाकी उसके बाद जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं, चाहे तुम गैलीलियो का नाम ले लो या न्यूटन के या उसके आगे भी जितने भी थे, अब तो खैर देखो बहुत एडवांस टेलीस्कोप्स वगैरह सब आ गए, या अगर तुमको छोटे छोटे चीजें देखना है सेल के अंदर का पार्ट्स एंड ऑल, वी हैव द माइक्रोस्कोप, और अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, टेलीस्कोप में भी बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स आ गया। आई थिंक रिसेंटली चाइना मेड ए टेलीस्कोप ऑफ द साइज ऑफ आई थिंक 2 फुटबॉल ग्राउंड्स, मतलब उसका जो पूरा डायमीटर है ना, स्प्रेड है, वो पूरे 2 फुटबॉल या 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। सो यू कैन इमेजिन हाउ ह्यूज साइज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज, मतलब पूरा 2-3 फुटबॉल ग्राउंड के साइज का एक सिंगल लेंस है, मतलब मल्टीपल लेंस है बट एक सिंगल लेंस, एक एक सिंगल लेंस जो उस डायमीटर का है। यू कैन इमेजिन हाउ बिग द टेलीस्कोप दैट हैज बीन मेड बाय चाइना, ठीक है ना, चाइना इज ऑब्वियसली नोन फॉर स्केल। तो आज के मॉडर्न इरा में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो तो डिवाइसेस मिल रहा है अच्छा खासा, तो इसलिए हो पा रहा है। बट एट द टाइम ऑफ गैलीलियो एंड ऑल, सो दे हैड टू मेक देयर ओन टेलीस्कोप्स। तो टेलीस्कोप का पर्पस क्या है ना, दूर के चीजों को सामने लाना और थोड़ा सा मैग्निफाइड वर्जन देखना। और माइक्रोस्कोप का क्या होता है ना, चीज तो पास में रहता है लेकिन हम और डिटेल में देखना चाहते हैं, सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन माइक्रोस्कोप इज व्हाट, टू हैव अ मैग्निफाइड व्यू of whatever object I am putting in the microscope, ठीक है ना, so that's what the basic purpose is। तो
माइक्रोस्कोप में देखो, वी विल स्टार्ट अप विद व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ हैंड लेंस. इसमें एक ही लेंस है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. इसमें कुछ नहीं, हैंड लेंस है, ठीक है. दिस सिंपल हैंड लेंस एंड हाँ, तो जो मैं कह रहा था, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ हैंड लेंस, ठीक है. अच्छा, अब जरा देखो, हम लोगों के जो आईज है, हम लोगों को जो आईज है उसमें एक डिस्टेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो फॉर आईज वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज कॉल्ड एज टी. एंड फॉर अ normal human being, this g is equal to 25 centimeter. For a normal human being, this t or the capital D value is equal to 25 centimeter. ठीक है? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो. The point is that, is it that at 25 centimeter we we are able to see distinctly? The answer is no. We are able to see distinctly from around 16-17 centimeter. लेकिन डिफरेंस पता क्या है कि जैसे मान लो इसमें देखो कुछ लिखा हुआ है, आई एम श्योर यू कैन रीड इट. अभी तो अगर मैं इसी चीज को पढ़ना चाहता हूं तो 25 सेंटीमीटर में अगर रखता हूं मैं, तो बड़े कंफर्टेबली रिलैक्स्ड आईज से मैं पढ़ सकता हूं. बट दैट डज नॉट मीन दैट आई कैन नॉट रीड इट बिफोर दैट. सो लेट्स से इंस्टेड ऑफ 25 सेंटीमीटर अगर मैं इसको पास में लेके आऊंगा, सो राइट नाउ मे बी इट्स अराउंड 12 सेंटीमीटर के आसपास है, अराउंड हाँ वही अराउंड 11 सेंटीमीटर के आसपास. तो क्या मुझे पढ़ा नहीं जा रहा? मुझे पढ़ा जा रहा, लेकिन उसमें पता क्या होता है, आईज को स्ट्रेन करना पड़ रहा है. तो आईज को थोड़ा सा यूं ऐसे करके तब जाके तुम इसको पढ़ पा रहे हो. रिलैक्स्ड नॉर्मल आई में हम नहीं पढ़ पाते हैं अगर तुम ऑब्जेक्ट को पास में लेके आओ. और अगर एकदम पास में लेके आओ तो यहाँ पे अब तो एक्चुअली पढ़ा नहीं जा रहा. जैसे 5 सेंटीमीटर दूर अगर रखोगे कोई ऑब्जेक्ट को यूं, तो ये कितना होगा? हाँ, ये अराउंड 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाना. बट एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस तो अराउंड 15-16 सेंटीमीटर ऑनवर्ड्स पढ़ा जाता है, लेकिन आईज बहुत स्ट्रेन में रहता है. और अगर इसी को बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं 25 सेंटीमीटर कर देता हूं, तो 16 सेंटीमीटर के बाद तो पढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 25 सेंटीमीटर में जाकर क्या होता है, आईज का स्ट्रेन लगभग खत्म हो जाता है. तो यू आर इन अ नॉर्मल आई पोजिशन, नॉर्मल आई पोजिशन, नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेस इन द आईज. सो द मसल्स आर नॉट पुलिंग द आईज. That's what I'm trying to say. ठीक है? So that distance is supposed to be for a normal human being 25 centimeter. Now in my case it is not 25 centimeter and that's why I'm using eye glasses to correct it. तो किसी को कुछ कुछ power का lens चाहिए होता है for correcting it depending on कि तुम्हारे distinct vision का point कहाँ पे है. 30 पे है, 40 पे है, 20 पे है, 15 पे है. तो accordingly तुमको फिर lens use करके अपना correction करना पड़ता है. So that's what the basics is. अब हम लोग जब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो सपोज मैं अगर पूछूंगा एक लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है, तो क्या बताऊंगा? इफ आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक लेंस मैं दे देता हूं तुम, उसका मैग्निफिकेशन क्या है, तो क्या बताओगे? व्हाट विल बी योर आंसर, टेल मी, क्या बताओगे? ओहो, ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज दैट कि अगर मैं एक लेंस दे देता हूं और मैं पूछता हूं बताओ इसका मैग्निफिकेशन क्या है, तो क्या बताओगे? तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, है या नहीं? फॉर एग्जांपल, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ ऑब्जेक्ट इन इंफिनिटी विल बी फाउंड एट पोल सॉरी फोकस एंड इट विल बी अ मिनिएचर ऑब्जेक्ट देन 0 For object between module, for module between infinity and 2R or 2F, तो क्या होगा? Magnification will be less than 1. Mod F will be less than 1. Simple. You
is equal to 2f, the mod m will be equal to 1. U less than f greater than 2f. Sorry, उल्टा हो गया. ठीक है ना? तो ये हो जाएगा mod m will be greater than 1. U is equal to f, तो mod m हो जाएगा infinity. फिर u greater than 0 and less than f, तो mod m will be again greater than 1. तो therefore अगर देखा जाए तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है, देखो इनवर्टेड होना प्लस माइनस वो छोड़ दो, आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड राइट नाउ. व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज द फैक्ट दैट द ऑब्जेक्ट इज द इमेज इज स्लाइटली बिगर और मे बी वेरी मच बिगर और मे बी स्मॉलर और वेरी वेरी स्मॉल. तो मैं उसी में इंटरेस्टेड हूं. तो देयरफॉर आई एम इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो ऐसे वेरी करता है. तो ऐसे केस में अगर पूछूंगा ये लो जी लेंस और इसका मैग्निफिकेशन बताओ, it doesn't make any sense. It just simply doesn't make any sense. क्यों? क्योंकि हर जगह के लिए, हर object distance के लिए अलग-अलग magnification होगा. तो एक lens का कोई magnification नहीं होता, है नहीं? लेकिन देखना, जब तुम दुकान में खरीदने जाओगे ना lens, तो देखना सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा, दुकानदार पूछेगा कि भाई आप ना अपने काम करो, बताओ कि सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है इन फिजिक्स टर्म्स में. तो अगर कोई साइंटिफिक ऑपरेटर्स की दुकान में जाओगे तो वो भी जनरली देखना सिंपल माइक्रोस्कोप ही बोलेंगे, ज्यादातर लेंस बोलते नहीं. बाकी कई बार कॉमन लैंग्वेज में तो लेंस बोलते हैं तो बोल भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ज्यादातर देखना बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप. अब तुम जब खरीदना चाहते हो सिंपल माइक्रोस्कोप, तो दो चार डब्बे ले लेना ऐसे ही जस्ट फॉर सीइंग इट, कि दो चार दिखाओ पहले. तो यू विल कीप सम 4-5 ऑफ दैट इन फ्रंट ऑफ यू. देखना हर एक में लिखा है इनटू 5, ऐसे लिखा रहता है into 20, into 8. ये क्या है? ये into 5 कैसे क्लेम कर रहा है? Into 5 कैसे क्लेम कर रहा है? Into 20 कैसे क्लेम कर रहा है? Into 8 कैसे क्लेम कर रहा है? क्योंकि एक ही लेंस में हम हर टाइप का मैग्निफिकेशन दे सकते हैं. Starting from -1 to +1 to +∞ to -∞. तो therefore ये +5 into 5 कहां से आ गया, into 20 कहां से आ गया, और into 10 कहां से आ गया, ये into कुछ भी नंबर कैसे आ गया, है ना? Now the answer is that this is what is called as the standard magnification. ठीक है? So this what we see is written in the label or the you know the packing, I mean. तो इसको हम लोग बोलते हैं standard magnification. So what we are looking at here is standard magnification. So you might say standard magnification kya hai? Standard magnification has been defined on a certain basis. Aur yahi lens ka pehchan hai. Actual lens ka pehchan ek hi hai, aur woh hai focal length. Lekin pata problem kya hota hai? Ki focal length is not something that we can immediately capture in our minds. It's really difficult to comprehend what does this focal length mean. Lekin iska ek meaning nikalta hai mujhe. So therefore we generally mention the magnification using this technique. And that is by using what is called as the defined way, and that is standard magnification. Now, what is that standard magnification? How it has been defined? Let's see. So, उसके लिए standard magnification के लिए जो define किया जाता है, वो कुछ इस तरीके से है. Is defined as the so standard magnification is defined as the angle subtended by image at D upon angle subtended by object at D. In fact, honestly speaking, ये जो magnification है ना, ये उस sense में magnification है ही नहीं जो sense तुम्हारे दिमाग में है कि एक object है, उसी object का image है और फिर image by object is magnification. No, यहाँ पे ऐसे नहीं है. यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन के बारे में बात करें. दैट इज हाउ द स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन हैज बीन डिफाइंड. यू माइट फाइंड इट अ लिटिल बिट ऑड कि अरे ये क्या तरीका है, ऑब्जेक्ट कहीं है उस समय इमेज कहां पे ध्यान नहीं दे रहे, फिर इमेज कहीं है उस समय ऑब्जेक्ट कहां पे वो ध्यान नहीं दे रहे. तो ये तो अलग अलग सिचुएशन के अक्रॉस हमने मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन कर दिया. दैट इज हाउ स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन हैज बीन डिफाइंड. सो लेट्स लुक एट दैट. तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट डी एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी. तो क्या है? देखो
सपोज ये लेंस, ठीक है, और मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, तो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सपोज डी, तो ऑब्जेक्ट को एक काम करो डी पे रख दो, तो अगर इसको ज्वाइंट करते हो तो याद रखना ये ऑब्जेक्ट है, सो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लेंस, सो देयरफॉर आई विल से दैट अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा is what equal to h o by d. Mind you, all these distances, the objects, heights and all, they are taken to be very small. So therefore, the corresponding angles will also be very small. That's an assumption, which is mostly true also. Like h naught by d, this is the height of the object. H o is height of the object, and this is d. Now comes the tricky part. You might say, image at d ka matlab kya hai? देखो इंटरेस्टिंगली पता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को डी यानी 25 सेंटीमीटर पे रखोगे उस समय इमेज कहां पे है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. दैट्स रियली फनी बिकॉज़ हम लोगों के दिमाग में क्या करता है क्या काम करता है मैग्निफिकेशन कि एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का इमेज ये होता है हम लोगों का मैग्निफिकेशन का आइडिया. लेकिन यहां पे ऐसे नहीं है. ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इस वक्त इसके इमेज कहां पे है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. That is how scientists have defined, and we are continuing with the tradition. तो मैं काम करता हूँ, मैं किसी तरीके से, ध्यान से language सुनना, मैं इसी तरीके से image को अब D पे लेके आता हूँ. तो obviously object को D पे रख के तो होगा नहीं. क्या होगा भी तो बहुत rarely होगा, coincidentally हो जाएगा कभी तो अलग बात है, but वैसे तो होगा नहीं. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक काम करते हैं. इमेज को किसी तरीके से डी पे बनाओ. सो दिस इज द इमेज, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन बीटा इज इक्वल टू दिस ऑल्सो डी एफ HI/D. Now there are a few questions. First question from Akshay Dhruvajan, that is D some specific value or any random? पहली बात तो बेटा तुमने ना small d लिखा है. Small d तो नहीं लिखना, capital D. D is a very specific value and that is D is equal to 25 centimeter. मैं बताया था पहले. तुम चाहो उसको 25 centimeter लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. ये सारा process या सारा concept या topic ह्यूमन आई के स्मॉलेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बेस करके बनाएंगे. दैट्स हाउ द डेफिनेशन हैज बीन गिवन. तो ये हो गया. अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट रखता हूं. तो ऑब्जेक्ट कैसे हो? एक तो रे यूं जाएगा, तो लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका. ये तो अलग है, लेंस अलग हो गया. ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही वाला ऑब्जेक्ट यहां पे, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जिसकी वजह से इमेज डिस्टेंस हो गया डी पे. तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ऐसे करके कुछ. ये फोकस हो गया, इसी को पीछे कर दो. ये ठीक है, ड्रॉइंग कैन बी मेड. अब मैं काम करता हूं, यहां पे लगाता हूं लेंस फॉर्म. अगर मैं लेंस फॉर्म लगाता हूं क्या आएगा? 1 by v minus 1 by u is equal to where? 1 by v kya hai? V ho gaya is case mein minus d. Chika? So 1 upon minus. Kyun? Kyunki image ko d pe rakhna hai. 1 upon minus. To minus 1 by f is equal to minus of 1 by u. Sorry, plus 1 by u. Yani 1 by u is equal to d plus f by d. Actually, अभी क्या हो रहा है? बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सबका काउंसलिंग चल रहा है ना, क्या भरना है क्या नहीं भरना है, कौन सा आईडी बेटर है, क्या ब्रांच, ऑल दोस थिंग्स, लाइक लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन.
चलो एनीवे तो ये हो गया, तो ये वन बाई यू आ गया, वन बाई यू आ गया। अब काम करता हूं, जरा बताओ, ठीक है ना, वन बाई यू आ गया तो ए प्लस एफ बाई एफ डी। तो ये हो गया यू। अच्छा अब बताओ जरा, एच आई बाई डी, एच आई बाई डी कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच ओ बाई यू, कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच ओ बाई यू। तो यदि एच ओ इंटू वन बाई यू विच इज इक्वल टू एच ओ इंटू वन बाई यू, क्या है डी प्लस एफ बाई डी एफ, यानी इंटू डी प्लस एफ बाई डी। ये हो गया बीटा, बीटा और अल्फा कितना है, अल्फा का एच ओ बाई टी है ना। Therefore, now what I do is that let me find out the magnification as defined by this. So beta by alpha. So therefore, magnification is equal to beta by alpha. Beta aage H O into D plus F by D F. H O into D plus F by D F. Upon अल्फा एच ओ बाई डी, तो देखो एच ओ कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचा, नाइन इक्वल टू वन प्लस डी बाई इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ, सिंपल। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन, सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन ऑन इट्स ओन। This is the normal, this is the standard magnification. इसको हम लोग बोलते हैं generally as magnifying power. You might find the definition a little bit weird also. I would not disagree to that. Yes, the definition is a slightly weird thing. I mean, but then that's how it has been defined. कि object अगर D पे रखते हो, तो क्या angle? और उसी object को किसी तरीके से अगर image बनाते हो D पे तो क्या है, तो दोनों का रेशियो, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन। मैंने पहले ही बोला इज दैट एक लेंस का कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है, उस लेंस पे हर टाइप का मैग्निफिकेशन लाया जा सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट, सो दैट्स हाउ इट हैपेंस एक्चुअली। तो देखो हमें उसका कोई टेंशन नहीं है, तो ये आगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस d / f, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। इसमें से ऑलरेडी एक चीज पता है और वो है d, d तो 25 सेंटीमीटर, बस तुम फोकल लेंथ का लेंस दे दो तो उस हिसाब से उस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक मैग्नीफाइंग पावर वाला 5 वाला लेंस है सपोज मेरे पास, इनटू 5, व्हाट डज इट मीन। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक लेंस है जिसका मैग्नीफाइंग पावर है इनटू 5, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है बताओ जरा। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफाइंग पावर इनटू 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 25 बाय 5 बाय f, ठीक है, तो इधर 1 चला गया तो 4 हो गया, f 4 इधर आ गया, f आ गया, यानी उसका फोकल लेंथ हो गया 25 बाय 4 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है, तो दिस इज आइडिया ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप स्टैंडर्ड मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है कि इवन एट 25 सेंटीमीटर माई आईज आर नॉट फुल्ली रिलैक्स्ड, सो देयरफॉर इफ यू वांट योर आईज टू बी फुल्ली रिलैक्स्ड देन द इमेज शुड बी फार अवे। देखना जब ऑब्जेक्ट एकदम पास में होता है तो देखना एक अजीब सा इस रीजियन में एक टेंशन टाइप का बिल्डअप हो जाता है, यहां पर देखना एक प्रेशर टाइप का लगता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर होता है या जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो दूर होता है तो उसमें कोई इस तरीके का सा टेंशन सा या कोई स्ट्रेस टाइप का जो यहाँ पे इस रीजन में होता है वो देखना फील नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई का मतलब क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट को सॉरी इमेज को अगर इंफिनिटी पे करो तो फॉर इमेज एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, अब देखो नेक्स्ट, फॉर इमेज एट इंफिनिटी
हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस दूसरा जो होता है वो होता है इमेज एट इंफिनिटी। तो अगर इमेज एट इंफिनिटी करोगे इन दैट केस क्या होगा, नहीं तो इंफिनिटी होगी है ना, तो फिर 1 by u क्या हो जाएगा, 1 by f हो जाएगा। यहां पे देखो 1 by u मुझे चाहिए था, h o by u है ना बीटा, h o by u, तो h o by u क्या होगा ना 1 by infinity minus this, तो u हो जाएगा मतलब minus f, but then minus plus तो इतना important नहीं, वो तो just inversion और वो होता है, but हमें image का size से मतलब होता है, तो 1 by u can be written as 1 by f, in that case क्या होगा, फिर ये हो जाएगा 1 upon f, ये हो जाएगा 1 upon f, ठीक है, तो this is for image at infinity, ये आ गया, तो ये खत्म कर दो, तो 1 by u is equal to 1 by f, ये आ जाएगा, ये भी बना देता हूँ, ठीक है, तो h o by f आ गया, और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, बीटा बाय अल्फा, तो एच ओ बाई एफ आ गया इधर, और ये आ गया एच ओ बाई डी, एच ओ बाई डी तो हमने पहले देखा था, वो तो ऑब्जेक्ट वाला था अल्फा, तो एच ओ बाई डी होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो देयरफॉर मैग्नीफिकेशन विल बिकम इक्वल टू डी अपॉन एफ, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्टमेंट, means अगर infinity को image को infinity पे करते हो, तो for image at infinity this is the thing, और अगर image at d है तो 1 plus d by f, that is called as the magnifying power, ठीक है, but ध्यान रखना magnifying power अलग चीज है, magnification totally अलग चीज है, magnification तो depend करेगा तुम कौन से जगह पे put कर रहे हो, पर magnifying power से, जैसा अभी यहाँ पे मैंने लिखा था, मैग्नीफाइंग पावर के हेल्प से तुमको फोकल लेंथ मिल जाएगा, जिसके बाद एक बार फोकल लेंथ मिल गया, अब देखो कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तुमने, उसके बाद तो लेंस फार्मूला एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन इजीली यूज, तो यानी मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन प्लीज डोंट मिक्स देम अप, क्योंकि मैग्नीफिकेशन तो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के जगह पे, और मैग्नीफाइंग पावर उस पर्टिकुलर लेंस के लिए फिक्स होता है, दो वैल्यूज होता है, इमेज एट डी के लिए अलग होता है और इमेज एट इंफिनिटी के लिए अलग होता है, जैसे इस केस में इमेज एट डी के लिए 1 plus d by f होता है, और अगर इमेज एट इंफिनिटी हो रहा है तो दैट केस d by f, दैट्स हाउ द एनालिसिस इज, ठीक है, अच्छा, सो दैट वाज द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन मनन ने आस्क की अक्षय ने आस्क की इमेज d पे ही चाहिए हमको, नहीं नहीं देखो d से दूर हो हमें कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन में क्वेश्चन आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि इमेज कहां बन रहा है, लेकिन डी से पहले तो ना हो, क्योंकि डी से पहले होने का मतलब यहां पे आ जाना, और हमें पता है कि उसमें दिक्कत आता है, हमारे आईज को स्ट्रेन होता है, तो हम वो तो नहीं चाहेंगे है ना, तो इसलिए हम लोग या तो डी का देखते हैं या तो इंफिनिटी का देखते हैं फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि तुमको कोई इम्पोज किया जाए, तुम अपने जहां मर्जी रखो, बस ये कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन से फोकल लेंथ निकल जाएगा, तुम जहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे बताओ कहां पे रखना है, उस हिसाब से मैं बता दूंगा कि उस ऑब्जेक्ट के उस समय मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तभी मैंने बार बार बोला मैग्नीफिकेशन अलग चीज है, मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज है, ध्यान रखना, ठीक है ना, चलो मनन ने आस्क नेगेटिव साइन क्यों नहीं कंसिडर किया, देखो नेगेटिव साइन से क्या होगा ना, ये ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे रहेगा, बट चलो एक चीज सोचो, सपोज मुझे एक सेल के अंदर का चीज देखना, अब सेल के अंदर का चीज मान लो यहाँ पे मान लो गॉल्गी बॉडी है और यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, अगर उल्टा हो जाएगा तो गॉल्गी बॉडी इधर और न्यूक्लियस ऊपर चला गया, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो देखो वी आर नॉट सो मच कीन दैट द इमेज शुड बी यू नो अपराइट आल्सो, या इवन जैसे टेलीस्कोप में हम देख रहे हैं सन, अब सन ऐसे है मान लो सन का स्पॉट यहाँ पे, सन स्पॉट जिसको हम कहते हैं, और टेलीस्कोप में देखने के चक्कर पर चला सन स्पॉट उल्टा हो गया और वो सब, तो वी डोंट रियली माइंड दैट, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है डिटेल देखना ना कि सीधा देखना, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो देयरफॉर वी डोंट रियली माइंड द फैक्ट दैट इट इज इनवर्टेड और इरेक्ट, तो हम कहते चलो ठीक है इनवर्टेड हो रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो मेन पर्पस ये है कि मैग्नीफाइड देखना, तो जब तक वो हो रहा है मैग्नीफिकेशन वी आर ओके विद दैट, ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस को इतना ध्यान दिया नहीं, ठीक है, अच्छा ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप, बट you know simple microscope will give you magnification of 5 times 2 times 7 times isi itna hi denge hum ab isliye kya karte hain ek combination of lens lagate hain do lens usse kya hoga na pehle wala kuch magnify karega
फिर वो जो इमेज बनेगा वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होता है, तो वो एक और राउंड ऑफ मैग्निफिकेशन करेगा, तो इससे क्या होता है मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है। जैसे मान लो अगर एक एक लेंस का मैग्निफिकेशन अगर होता है 7 times, तो 7 नंबर इज नॉट वेरी लार्ज, बट द मोमेंट यू हैव टू ऑफ देम इट बिकम्स 49, यानी 50 टाइम्स ऑलमोस्ट। नाउ 50 टाइम्स एक ऑब्जेक्ट को देखना इज आई थिंक अ गुड अचीवमेंट, है ना। सो वी कैन सी लॉट ऑफ डिटेल्स व्हिच वी वुड नॉट बी एबल टू सी अदरवाइज। तो अब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप what happens is that we put another lens. अब जब दो लेंस हो गया तो फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव में तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस तरफ का लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जहां से हम देखते हैं वो जाता है आईपीस लेंस। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग ऐसे करते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ये हो गया एफओ, ये हो गया एफई। अब मैं काम करता हूं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज कुछ बनता है, लेट्स सी यहां नाउ माइट से ये जो आपने डायग्राम बनाया इसमें तो इमेज ऑलमोस्ट लेंस के पास बन गया। द आंसर इज हम यही तो चाहते हैं, समझे ना, हम यही चाहते हैं। हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आईपीस के ठीक थोड़ा सा पहले इमेज बने, सो दैट उस आईपीस के सेंटर ऑफ द लेंस और आईपीस का जो फोकस है, ये सपोज एफ ई है और ये सपोज एफ ओ है, सपोज इज गिविंग अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो अगर आईपीस के फोकस होता है, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो इमेज बने ना पहले वाले का, वो आईपीस का फोकस और आईपीस के सेंटर के बीच में कहीं बने। मिडिल पॉइंट जरूरी नहीं है, बट ना उधर। इसके पीछे रीजन क्या है, तभी तो तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर मान लो ये इमेज इस रीजन को छोड़ के कहीं पे भी बने, तो उसका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। रियल इमेज के साथ झंझट क्या होता है, फिर हमें स्क्रीन रखना पड़ेगा, स्क्रीन को देखे तब जाके शार्प इमेज बन पाता, अदरवाइज थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आता है, है ना। तो इसलिए हम जो चाहते हैं वो है कि एक वर्चुअल इमेज बने, और इसके ऊपर कैसे इमेज बनेगा ना, मेबी व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन जस्ट मेक अ रेड डायग्राम लाइक दिस, ऐसे करके यो करके फोकल लेंथ पे आ गया, तो जो भी है आई कैन आई थिंक यू कैन नाउ डू इट लाइक दिस। तो ये आ गया, तो ये हो गया फाइनल इमेज, है ना। So that's how it will happen. तो इस तरीके से क्या होगा ना, फाइनल इमेज बन गया, तो ये हो गया इमेज वन आई वन और ये हो गया आई टू, ठीक है। So that's how it happens. यानी पहले वाला जो मैग्निफिकेशन होगा ऑब्जेक्टिव का वो होगा वी बाई यू, आगे। अब जब हम आईपीस पे आते हैं तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा या तो वो इमेज एट डी वाले का निकालेंगे या तो इमेज एट इंफिनिटी का निकालेंगे। तो अगर मान लो इमेज एट डी होता है, if for image at d, for image at d, ठीक है ना, जस्ट सेकंड मैं जरा डोर बंद कर दूं नहीं तो। हाँ, तो जो मैं कह रहा था इज दैट इमेज एट डी से लेके इमेज एट इंफिनिटी तक कर सकते हो। तो अगर इमेज एट डी है ना, तो फॉर इमेज एट डी द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द आईपीस विल बी इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। अच्छा, माइक्रोस्कोप में एक इंटरेस्टिंग चीज किया जाता है, दैट इज जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, दैट इज केप्ट वेरी क्लोज टू द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी ये जो यू होता है ना, ये जो यू होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नॉट ओनली दैट, मैंने अभी क्या बताया कि हम चाहते हैं डेलिबरेटली कि इसका जो इमेज है ना वो बिल्कुल लेंस के ठीक सामने बने, यानी जो वी है that should be approximately equal to what? The distance between the lens. So distance between the lens जो होता है,
उसको हम लोग जनरली कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल हो गया लेंथ टू लेंथ के डिस्टेंस, तो यानी सेपरेशन ऑफ द लेंथ। सो एल इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। शॉर्ट में लिखा ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस सर। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज दैट एल इज इक्वल सेपरेशन हो गया, देयरफॉर u approximately f हो गया and v is approximately l. As I said, l is the distance between the two lenses. तो ये हमें deliberately करना होता है, या deliberately हम करते हैं, so that जो image बने वो finally virtual बने। ठीक है, real बनते झंझट हो जाता है, screen में रखो, ये करो वो करो, उसमें बड़े problems होते हैं। ठीक है, तो देखो for image at d, magnification of the eyepiece is this. And this will be approximately equal to V. V बोलते L, और U बोलते approximately F. Therefore, the magnifying power finally, the magnifying power will be magnifying the objective into magnifying the eyepiece. The objective का तो आगे L by F O into 1 plus D by F. तो जरा ध्यान से देखो, इट इज एफ ओ यहां पे है ना, और एफ ई वहां पे है। ठीक है, ये एफ ओ हो गया, ये एफ ई, और डी हो गया 25, एल हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब भी बोलते हैं, है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब। ट्यूब वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, देखना चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप, एक ट्यूब के देखना दो एंड पे लेंस को लगा जाता है, बिल्कुल एज पे तो नहीं लगाते खैर, बट देन देखना एकदम एज के थोड़ा सा अंदर एक तरफ का ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाता है और थोड़ा सा अंदर देखना दूसरी तरफ जो है आईपीस लेंस होता है, यानी जो ट्यूब का लेंथ है वही हो गया अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस। तो वही चीज हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो ये एल हो गया सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द also called as the length of the tube. ये चीज़ है। तो वो आ गया L by FO into 1 plus D by FE. This is the magnification or the standard magnification for image at D. For image at infinity क्या होगा? थोड़ा सा change कर दो। तो therefore finally for image at infinity क्या होगा? ना वो जो मैग्निफिकेशन 1 प्लस d by f लिखा है उसके जगह d by f हो जाएगा और तो कोई ज्यादा चेंज है नहीं, तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन और इज इक्वल टू l by f o into ये L by FO into 1 plus D upon FE. ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। In the meanwhile there are some questions and I'm answering Akshay's question कि image तो D पे ही होना चाहिए। तो like image D पे होना चाहिए ऐसा compulsion नहीं, it's just that image can be from D till infinity anywhere. ठीक है ना, अगर infinity पे होगा तो बिल्कुल relaxed eyes में देखेंगे, और अगर डी पे होगा तो थोड़ा सा टेंशन रहेगा इसमें कि एकदम पास आ गया। सो दैट इज द ओनली फैक्ट, अदरवाइज तो यू नो इट कैन हैव अ रेंज फ्रॉम डी टू इंफिनिटी। इसलिए हम एक्सट्रीम्स को स्टडी करेंगे, अगर डी पे होता है तो क्या होगा और अगर इंफिनिटी पे होता है तो क्या होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिवम एंड दैट इज जो फोन के कैमराज होते हैं दे हैव 50x 30x zoom, इज दैट द मैग्नीफाइंग पावर? यू आर राइट, मैंने पहले बोला ना मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैग्निफिकेशन तो ऑब्जेक्ट बताएगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताएगा कि मैग्निफिकेशन उस सिचुएशन में क्या है। तो ये जो कहा जाता है ना कि इतना एक्स या इतना इनटू करके लिखा रहता है, जैसे प्रोनाउंस करो, तो दोज आर नॉट द मैग्निफिकेशंस, दोज आर जस्ट द मैग्निफाइंग पावर्स। तो उसके रिवर्स कैलकुलेशन करके या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद
रिवर्स कैलकुलेशन करके तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ये चीज है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट द स्टेटस इज। और एक और क्वेश्चन है, दैट इज इतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन से तो इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा, इफ इट डिक्रीजेस हाउ डू वी मेंटेन द ओरिजिनल इंटेंसिटी। गुड क्वेश्चन, जरा याद करके देखो, जरा याद करके देखो, हम लोग माइक्रोस्कोप देखो लेंस में तुम कहां से देख रहे हो तो मैटर नहीं करता, लेकिन देखा होगा एक चीज, हम लोग बहुत ही आई के एकदम बिल्कुल लेंस के पास चले जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, माइक्रोस्कोप याद करके देखो ऐसे टाइप का सेटअप होता है, मुझे तो एग्जैक्ट ड्रॉ करना नहीं आएगा बट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर ही सकता हूँ, ठीक है ना। यू और यू होता है और यहाँ पे स्लाइड रहता है और ऐसे करके ना उस पर सेटअप होता है पूरा इस तरीके से जो भी है, और ऐसे करके मतलब मैंने एक क्रूड सा डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस ही आईपीस लेंस, एक चीज देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो लाइटेड होता है, लाइटेड होता है इन द सेंस कि कई बार तो यहाँ पे हम प्लेट पे लाइट डालते हैं अलग से स्पेशल लाइट, उसके पीछे रीजन वही है कि अगर इतना ज्यादा मैग्निफाई कर दो ना, छोटे से ऑब्जेक्ट है लाइट उतना ही, और पूरा मैग्निफाई कर दो तो डार्क डार्क सा हो जाता है, इसलिए तुमको ऑब्जेक्ट को लाइटेड रखना पड़ेगा। इसलिए जिस स्लाइड को तुम देख रहे हो है ना, उस स्लाइड पे अच्छा खासा लाइट डालो, तब जाके वो लाइट पूरा फैल के यू विल हैव अ बेटर व्यू ऑफ द थिंग मैग्निफाइड। अदरवाइज क्या होगा, अंधेरा अंधेरा सा लगेगा, उसका उतना अच्छा इफेक्ट जो है तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। आई थिंक इट्स अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय रोहर निजावर, एंड दैट इज इंटेंसिटी को हम कैसे मेंटेन करते हैं, हमें एक लाइट सोर्स यूज करना पड़ता है खुद से। और इसलिए देखा होगा माइक्रोस्कोप भी, जो जब हम लोग करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, कई बार लाइट सोर्स तो होता नहीं तो हम लोग खिड़की के पास जाके करते हैं, वहीं पे देखना लाइट और उसके जो मैग्निफिकेशन के बाद जो इमेज बनता है उसका ज्यादा अच्छा व्यू बनता है। और अगर तुम कहीं कोने में जाके करोगे जहाँ पे मान लो वॉल से सराउंडेड है और तुम खुद भी को थोड़ा सा घेर रहे हो, लाइट तो हम खुद भी घेरते हैं ना, अगर मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मेरा बॉडी आसपास के लाइट को तो थोड़ा बहुत घेर ही रहा है, तो और लाइट इंटेंसिटी कम हो जाता है तो फिर वो अंधेरा अंधेरा ये डार्क डार्क नजर आता है जो इमेज बनता है, तो इसलिए लाइट सोर्स तो हमें चाहिए, ठीक है। चलो गुड क्वेश्चन, नाउ शिवम हैज सेड दैट इफ इन अ माइक्रोस्कोप द इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, देन तो इन अ टेलीस्कोप द इंटेंसिटी शुड इंक्रीज। यू आर वेरी राइट, एंड दैट इज व्हाई, अब सुनो ध्यान से, नाउ दैट यू रेज दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि टेलीस्कोप से हमें बहुत ज्यादा व्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेलीस्कोप में लाइट का इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होकर आता है और वो हमारे आईज के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए ओवर एक्सपोजर टू टेलीस्कोप नहीं होने चाहिए, यानी हमें लॉन्ग आवर्स टेलीस्कोप पे नहीं देखना चाहिए, और अगर देखोगे भी तो शॉर्ट बर्स्ट में देखो, मे बी फॉर अ फ्यू सेकंड्स, है ना, एंड देन मूव योर आईज अवे, एंड देन आफ्टर सम प्रॉपर रेस्ट दो द आईज लाइक कम डाउन टू नॉर्मल स्टेट, आई मीन देन अगेन एंड सो ऑन। तो इसलिए बहुत फ्रीक्वेंटली मना किया जाता है कि टेलीस्कोप के थ्रू ज्यादा व्यू मत किया करो, ये बोला जाता है, यू आर राइट, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो टाइप के मैग्निफिकेशन मैंने बता दिया, L by F0 into 1 plus D by FE, और नहीं तो L by F0 into D by FE, ठीक है। माइक्रोस्कोप पहली बार या लेंस पहली बार कहां पे डिस्कवर हुआ है, इसके भी हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है, कुछ क्रेडिट लीवेनहुक को दिया जाता है, बट दैट्स अ लिटिल डाउटफुल। इनफैक्ट यूरोप में कई जगह ऐसे है, यूरोप में कई जगह ऐसे है दोज विच क्लेम कि लेंस पहली बार हमारे शहर में बनाया गया, कई शहर में ये सेलिब्रेट किया जाता है कि हमारे यहाँ पे लेंस पहली बार बनाया गया था, सम नेम आई मीन समटाइम्स फिक्टिशियस समटाइम्स नोन नेम आई मीन, बट कई शहर में सेलिब्रेशन होता है कि हमारे यहाँ पे लेंस डिस्कवर हुआ था। सो दैट्स हाउ, सो वेयर एग्जैक्टली लेंस वाज डिस्कवर्ड एंड हु डिड इट, still a little bit controversial, but mostly I think we give the credit mostly to Leeuwenhoek, but there are controversies, ठीक है ना? Just like the controversy of Copernicus being the first astronomer to having said that the earth is moving around the sun, but actually if you look at Aryabhatta had told that exactly the same thing much before that, quite a few centuries before that. So therefore, these are all controversial things, and it all depends on how you look at it. ठीक है? चलो, so that was about your microscope, compound microscope. इसके बाद telescope आता है, तो I think 3-4 minutes बचा है, तो like अब telescope start नहीं करते हैं, ठीक है ना?
तो मे बी वी कैन डू इट टुमारो. आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना. बट बिफोर क्लास, बट आई वुड से कि